हबुका किचन में आज हम बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ग्रेवी वाला चिकन बर्रा बनाएंगे। अगर आपको चिकन बर्रा की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन बर्रा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में आधा किलो चिकन, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच मरी पाउडर, एक छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट और एक छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज की प्याज का बिरस्ता हाफ क्रश किया हुआ, तीन से चार बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप दही और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। ऑयल और घी गर्म हो जाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर ज़रूरत हो तभी 2 से 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके चिकन कुक करें। चिकन कुक हो रहा है तब तक कि हमें ग्रेवी बनाते हैं। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। ऑयल और घी गर्म हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट और 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 मीडियम साइज की तली हुई प्याज यानी कि बिरस्ता, उसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करके इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, वो ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन की पेस्ट और पिसी हुई प्याज की पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इसमें 1/2 कप काजू की पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। ग्रेवी को भून लेने के बाद ये ड्राई हो गई है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितनी। इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे।
और इसे फिर से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद ग्रेवी रेडी है। अब देखते हैं चिकन कुक हुआ है कि नहीं। चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें हमने जो ग्रेवी रेडी की थी वो ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद चिकन बर्रा रेडी है। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसे स्मोक देंगे। अगर आपको चिकन बर्रा की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।